गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसमें जो चैप्टर नंबर सेकंड था, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने के पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें, और जिस प्रकार से मैं रीड कर रही हूँ तो आप रीड भी साथ साथ करें, जिसके कारण आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों, अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको इन पाठों को, इन चैप्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं लेसन्स के बीच में से आपको क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था कि लेखिका अनीस जंग का साहेब से, जो कि एक रैग पिकर्स रहता है, कचरे बीनने वाले, बच्चों से बहुत लगाव हो जाता है और वो हर चीज़ के बारे में डिस्कस करती है, मतलब साहेब की ज़िंदगी के बारे में डिस्कशन हुआ था। अब यहाँ पर उसने एक सेकंड स्टोरी लाई है, उसको हम समझें। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स that fill his own, his town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women इन द लैंड, इट सीम्स। अब यहाँ पर एक नया, उन्होंने स्टोलन चाइल्डहुड से लिंक करते हुए एक नया लाया कि मुकेश नाम का एक लड़का बोलता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाना सीखना है और मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, उसने घोषणा की। मैंने पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। हाँ हाँ, मैं कार चलाना सीख लूँगा, मैं सीखूँगा कि कार कैसे चलाई जाती है। और उसने बिल्कुल सीधे मेरे तरफ दृष्टि करते हुए ऐसी बात कही। उसके जो सपने थे, वो सपने कैसे थे? एक रेगिस्तान में पानी होने का जो भ्रम होता है ना, क्योंकि वो वहाँ उस गलियों की धूल में धूल धूसरित हो गए थे जो फिरोज़ाबाद की गलियाँ थी। अब फिरोज़ाबाद क्या है? तो फिरोज़ाबाद एक सिटी का नाम है जो कि फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो चूड़ी उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर फिरोज़ाबाद की जो रहने वाले हर परिवार हैं, वो कहाँ पर व्यस्त हैं, कहाँ बिजी हैं या कहाँ लगे हुए हैं धंधे में, तो वो सब चूड़ियाँ बनाने के धंधे में लगे हुए हैं। ये भारत का एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर ग्लास ब्लोइंग यानी कांच पर आधारित वो उद्योग है, जहाँ पर फैमिलीज जो हैं, जो परिवार हैं, उनकी पीढ़ियां यहाँ पर किस चीज़ में बीत गई, उस भट्टी के आसपास काम करते हुए, ग्लासेस को जोड़ते हुए और चूड़ियां बनाते हुए महिलाओं के लिए। तो इस प्रकार यहाँ फिरोज़ाबाद में जो चूड़ी उद्योग है, उसमें रहने वाले जो परिवार जो उस चूड़ी उद्योग में लगे हुए हैं, उनकी व्यथा और उनकी दशा का वर्णन यहाँ पर लेखिका अनीस जंग ने किया है। नेक्स्ट देखें बच्चों, मुकेश फैमिली इज अमंग देम, नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, often losing the brightness of their eyes, Mukesh's eye beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remains hull with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state. He stops at door of one such house,
bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We entered a half-built shack. In one part of it, tagged with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of. अब यहाँ लेखिका बताती है कि जो मुकेश का जो परिवार, मुकेश एक बच्चा है जो कि बैंगल्स बनाने के काम में लगा रहता है, तो उसका जो पूरा परिवार भी है, जो पूरा का पूरा परिवार चूड़ी बनाने के धंधे में लगा हुआ है, उनमें से कोई भी नहीं जानता कि बच्चों को चूड़ी बनाने के काम में लगाना, यानी कि उनको 14 वर्ष की उम्र के पहले यदि किसी कार्य में लगाया जाता है तो वो कैसा रहता है, गैरकानूनी। तो उनमें से कोई भी नहीं जानता कि ये काम कैसा है, गैरकानूनी है कि इन कांच की भट्टियों के पास इन बच्चों को रख के काम कराया जाए। और ऐसी जगह, ऐसे रूम, छोटे छोटे कमरे, सेल, जहाँ पर कोई हवा या प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है। यदि मान लीजिए कि अगर इस प्रकार का नियम इन पर लागू किया गया तो ये 20,000 बच्चे जो कि इन गर्म भट्टियों के पास बैठकर चूड़ी बनाने का काम करते हैं दिन रात, वो सब बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये बच्चे इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि इनकी आंखों ने अपनी चमक खो दी है, लेकिन मुकेश की आंखें फिर भी चमक रही हैं। वो मुझे ले जाता है, कहाँ ले जाता है, वो अपने बहुत ही गर्व से अपने उस घर की तरफ ले जाता है जो कि उसने पुनः बनवाया है। हम वहाँ से जाते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत छोटी छोटी सकरी गलियाँ हैं, वहाँ पर जो सीवर लाइन है वो कैसी चोक हो गई है बहुत सारे कचरे के कारण, वहाँ पर शायद ही कोई पशु भी बहुत अच्छे से रह सके। ऐसी जगह जहाँ पर दीवारें टूट चुकी हैं, जहाँ के दरवाजे कैसे हैं, अस्त व्यस्त हालत में, टूटे फूटे, जर्जर है, जहाँ पर खिड़कियाँ नहीं हैं, जहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर हम एक अच्छी ज़िंदगी की कल्पना कर पाएँ। लेकिन वो मुझे एक दरवाजे के पास रोक देता है जो कि शायद उसका घर रहता है, और वहाँ पर उसमें से जो लोहे का दरवाज़ा, उस पर ज़ोर से एक पैर मारकर उस दरवाजे को खोलता है। हम उसके आधे बने हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सूखी घास से बनी हुई छत ढली हुई है और पास में ही एक लकड़ी का क्या रखा, एक चूल्हा रखा हुआ जिस पर लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा वैसल यानी खाना पकाने का बर्तन रखा हुआ जिस पर कि पालक के पत्ते उबल रहे हैं। और नीचे ही मैं देखती हूँ कि एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी तश्तरी पे क्या रखी हुई है, कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई हैं। वहाँ पर एक दुबली पतली यंग वुमेन यानी एक जवान महिला दिखाई देती है जो कि शाम का खाना उस परिवार के लिए बना रही होती है। भले ही उसकी आँखें धुएं से भरी थी लेकिन वो स्माइल करती है। अब ये लड़की कौन रहती है, ये महिला कौन रहती है, आगे देखें बच्चों। इट्स मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर्स। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बेंगल मेकर, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंट हिज टू सन्स टू स्कूल, ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इट्स टीच देम वॉट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। अब यहाँ लेखिका जब बताती है कि वहाँ पे एक महिला खाना बना रही होती है तो वो कौन रहती है, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी रहती है, यानी उस घर की बहू रहती है, जिसकी वर्षों में तो उम्र बहुत, जिसकी उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन चूंकि वो घर की सबसे बड़ी है इसलिए उसको बहू का दर्जा, जो कि पुत्र वधू के दर्जे दिए गए, और वो बहुत बड़े होकर जिम्मेदारियाँ निभा रही है। वो किस चीज़ का चार्ज लेती, किसकी इंचार्ज रहती, किसकी जिम्मेदारी निभाती है, तीन लोगों के घर के, अपने पति की, मुकेश की और उसके पिता की।
यानी इन तीन जेंट्स लोगों की जिम्मेदारी वो बहू निभा रही होती है। जैसे ही उस घर में वो बूढ़ा व्यक्ति प्रवेश करता है, वो जल्दी से क्या कर लेती है, अपने सिर पर घूंघट ले लेती है, क्योंकि वहाँ का ये परंपरा या कस्टम ये रहती है कि जो बहू होगी उसको अपने सिर पर घूंघट रखना पड़ेगा, अपने घर के बड़े लोगों के सामने, जो पुरुष बड़े हैं उनके सामने उसको घूंघट रखना पड़ेगा। ये जो वृद्ध व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो क्या है, एक बैंगल मेकर, जो कि दुर्भाग्य से एक चूड़ी निर्माता बन गया, क्योंकि उसने बहुत सारे सालों तक बहुत मेहनत की। सबसे पहले तो वो एक दर्जी था, उसके बाद फिर वो क्या बना, चूड़ी निर्माता। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, वो अपना घर को भी रेनोवेट करने में बहुत असफल रहा और अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज सका। किस कारण से, कहीं ना कहीं गरीबी उसका कारण होती है, तो इसलिए उसने क्या किया, उन दोनों को क्या बनाना सिखाया, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला सिखा दी। अब आगे देखें बच्चों, इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, ही इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स सो हैव बीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड पैडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो लाइज इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द शेंटी टाउन एंड इन डार्क हट मीन्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इन टू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट। अब यहाँ पर जो उसकी दादी रहती है, तो उसकी दादी क्या बोलती है, उस लेखिका से, लेखिका से कुछ बातें करती हैं, तो दादी बोलती है इन हिज कर्म, ये उसके कर्म हैं, उसके कर्म में है, उसकी नियति में है कि हम सब क्या बनाए, बैंगल बनाए। उसके हस्बैंड की आंखें भी क्या हो गई थी, चूड़ी बनाते बनाते अंधी हो चुकी थी, पॉलिश जब वो पॉलिश करते हैं तो उसकी ग्लास डस्ट जो उड़ती है उससे उसकी आंखें अंधी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो कहती क्या हम प्रकृति का, ईश्वर का बनाया विधान बदल सकते हैं, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम हमेशा क्या बनाते रहेंगे, बैंगल या चूड़ियाँ ही बनाने के लिए पैदा हुए हैं। यहाँ पे हर गली में, हर जगह पर, हर क्षेत्र में, हर ऐसी कोई जगह नहीं है फिरोजाबाद की कि जहाँ पर चूड़ियाँ ना बनती हों। चूड़ियाँ सुनहले कलर की, ग्रीन रंग की, बहुत सुंदर ब्लू कलर की, पिंक कलर की, पर्पल, बहुत सारे सारे इंद्रधनुषी कलर जितने इंद्रधनुष के होते हैं उनसे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर रंगों में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। हम सब इन्हीं चीज़ों को बनाने के लिए पैदा हुए हैं, वो इस प्रकार से बताती है। और वहाँ पर क्या, एक तेल का दिया या लैंप जलता रहता है, जिसकी जो लौ रहती है वो कैसी रहती है, कभी बुझने की कगार पर हो जाती है। सारे बच्चे और लड़कियाँ मिलकर के क्या बनाते रहते हैं, उन सर्कल्स को, ग्लास के सर्कल्स को जोड़ जोड़ के चूड़ी बनाते हैं। उनकी आँखें इस मंद रोशनी में ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं, मतलब वहाँ इतनी कम रोशनी है कि शायद दिन की रोशनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो इतनी मद्दी रोशनी में भी चूड़ियों को जोड़ने में माहिर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, गर्ल इन अ ड्रेपिंग ड्रेस सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन आई वंडर इफ सी नोज द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे वैन हर हैड इज ड्रेप्ड विथ अ रेड वेल हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट
She will then become a bride, like the old women beside her who became one many years ago. She still has bangles on her. अब यहाँ देखेंगे कि लेखिका देखती है कि सविता नाम की एक लड़की रहती है, यंग गर्ल जो रहती है वो पिंक ड्रेस पहन के बैठी हुई रहती है उस बुढ़ी महिला के पास, जो क्या कर रही थी, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ, सोल्डर यानी जोड़ना, ग्लास के जो पीसेस हैं उनको क्या कर रही थी, जोड़ रही थी। और उसके जो हाथ है ना वो किसी चिमटे, टोंग यानी चिमटा पकड़ने वाला, तो चिमटे की तरह से मशीन की तरह चल रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके हाथ है, इतने फास्ट वो उस काम को कर रही थी। मुझे आश्चर्य था कि किस प्रकार से वो इन बैंगल्स या चूड़ी को बहुत फटाफट बना रही है और उसकी मदद कर रही है। ये जो चूड़ियाँ हैं ये किसी भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसकी जो पवित्रता है वो कब होती है, विवाह के समय इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा पता चलती है, क्योंकि विवाह के बाद ही चूड़ियाँ पहनना पवित्रता और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। उसको यह भी मालूम है कि अचानक से यदि उसकी भी कभी शादी होगी तो उसको भी उसका सिर किससे ड्रैप कर दिया जाएगा, एक घूंघट उढ़ा दिया जाएगा, उसके हाथों में लाल मेहंदी लगा दी जाएगी और उसकी कलाइयों पर लाल लाल चूड़ियाँ शोभा देने लगेंगी, तब वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक वृद्ध महिला उसके बाजू में बैठी है और कई साल पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैड रिपीट। हर हजबेंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, All I have done in make a house for the family to live in. Hearing him, no wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब यहाँ पर वो महिला उनको बताती है उसकी आँखों में क्या थी, कोई रोशनी या कोई चमक नहीं रही। क्या बोलती, एक वक्त भी हम लोगों ने शेर भर खाना यानी पेट भर के खाना हमने बहुत अच्छे से नहीं खाया है। उसकी आंखों में जो आनंद था वो बह चुका था, वो इतना एंजॉय नहीं कर रही थी। उसको कभी भी एक पूरा खाना, जिसको कहते हैं ना पूरा खाना, अपन पूरा खाना कैसे खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, ये मेन है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे हम थाली में रख के खाते हैं, तो उस महिला ने या उनकी फैमिली ने पूरा खाना कभी उनको नसीब नहीं हुआ। उसका जो पति था जिसकी दाढ़ी कैसी सफ़ेद और उड़ रही थी, उसने बोला, मुझे तो सिर्फ चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं आता, मैंने पूरे जीवन भर क्या किया, सिर्फ चूड़ियाँ ही बनाई हैं, यहाँ तक कि इस घर को भी बनाने के लिए मेरे पूरा जीवन चला गया। उसको सुनते हुए मुझे लगता है कि हाँ, शायद इनके जीवन काल में घर बनाना या एक छत डालना ही सबसे इम्पॉर्टेंट रहा, यानी इतनी गरीबी में इन लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even though to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Why not organize? The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब यहाँ पर लेखिका ये सोच के आश्चर्यचकित हो जाती है कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो, वो क्या बोलता है उससे कि मैंने इतना कमा लिया कि मैंने सर पर अपने लिए छत बना ली है, लेकिन यहाँ पर इतनी गरीबी है कि बिना धन के केवल चूड़ियों के व्यापार के अलावा वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं पा सकते। उसकी टीस या उसका रोना उनके मन में अभी भी है, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं होता, ये वाली बात हर घर में गूंजती है, यानी बच्चे भूख भूख चिल्लाते रहते हैं।
जितने नए लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो भी क्या हैं, बूढ़ों की तरह ही अपने आवाज़ को बना के रखे हुए हैं। समय के साथ कुछ आगे होगा ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पर वर्षों के दिमाग को स्तब्ध करने वाले श्रम ने हमेशा सारी पहल और स्वप्न देखने की योग्यता मार डाली है। मतलब लोगों ने यहाँ पर सिर्फ चूड़ी बनाना सीखा है और इतने कम पैसे में अपने जीवन को चलाना सीखा है, और इसके अलावा उन्होंने ये नहीं सीखा कि आगे वो कुछ कर सकते हैं। ऐसी क्षमताएं उनमें लगभग समाप्त हो चुकी हैं। आगे देखें बच्चों, यहाँ पर बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है लेखिका ने कि किस प्रकार से वो उन्होंने सिर्फ चूड़ी व्यापार के अलावा कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट पैरा देखें। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if I will get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct world, वन ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पर लेखिका उन सबको समझाती हूँ, कहती कि तुम कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बनाते हो, ऐसी एक सहकारिता योजना क्यों नहीं बनाते हो। जितने नौजवान लोग थे उनसे बात करते हुए लेखिका बोलती है कि इन चूड़ी व्यापार की आर्थिक मंदी से निपटने के लिए आप कोई अच्छी सहकारिता संस्थान वगैरह क्यों नहीं बनाते हो। तो वहाँ के लोग क्या जवाब देते हैं, बहुत है, कि यदि हम इस प्रकार का कोई काम करेंगे तो या तो हम कहाँ भेज दिए जाएंगे, पुलिस के द्वारा धकेल दिए जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा, इनजस्टिस हो जाएगा, हमको जेल भेज दिया जाएगा, ताकि हमको किसी न किसी अनैतिक कार्य करने के चक्कर में परेशान किया जाएगा। मतलब उनके बीच में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो उनको एक सही राह दिखा सके। उनके पिता भी उसी प्रकार थक चुके हैं जिस प्रकार के नौजवान थके हुए हैं। मतलब बुजुर्गों में और नौजवानों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, उनकी थकावट में, उनकी सोच में। लेखिका ये सोच के आश्चर्यचकित हो जाती है कि कम से कम जो नौजवान यंग जनरेशन जो है उसको तो आगे बढ़ने की प्रेरणा उसमें होना पड़े, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में इस प्रकार बैठा दिया गया है कि वो चूड़ी बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यदि वो किसी ने भी कुछ ऐसा कोई नया कदम उठाया तो या तो उसको पुलिस परेशान करेगी या अनैतिक कार्यों में उसको शो करके जेल में डाल दिया जाएगा, जिससे उनके साथ कभी भी न्याय नहीं हो सकता। इन सबको सोचने के बाद लेखिका सोचती हैं कि मुझे इस दुनिया में भी दो दुनिया नजर आती हैं। कितनी बढ़िया बात यहाँ पे कही है कि मुझे इस दुनिया में भी दो दुनिया नजर आ रही। वो कैसे, जरा समझते हैं। बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, द अदर विशीज अ सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पोलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। टूगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर। ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज हिज फादर। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चेयर्ड। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। डू यू ऑल्सो ड्रीम अ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज, स्टेरिंग एट द ग्राउंड। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he see hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. अब लेखिका क्या कहती है कि मैं दो प्रकार के संसार को देख रही हूँ यहाँ पर। पहला संसार किसका है, वो चूड़ी बनाने वाले, वो कचरा बीनने वाले परिवारों का, जिनका काम सिर्फ काम करने के उद्देश्य से वो बना दिए गए हैं। और दूसरा संसार किसका है,
साहूकारों का, मध्यम वर्गीय लोगों का, पुलिसमैन का, पुलिस के लोगों का, नियम कानून के रखवालों का, उन राजनीतिक सत्ताधारों का, उन सबका जो संसार है, जिन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर इतना बोझ डाल दिया कि वो चाह के भी अपने उस बोझ को अलग नहीं कर सकते। जब वो बड़े हों, बड़े होकर के उनमें कुछ सोच विकसित हो, उसके पहले ही उनको अपने पिता के समान या अपने पेरेंट्स के समान बोझ ढोने की नीति स्वीकारनी पड़ती है, उनको स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं, हम अपने पिता के समान ही इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। किसी में भी आगे बढ़ने का साहस नहीं होता, वो चाहते भी तो भी चाह के भी वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इस प्रकार की चाहत आगे बढ़ने की मैं मुकेश की आंखों में देखती हूँ। मुकेश खुश होकर बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, हाँ मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहूँगा। वो गैरेज जाना चाहता है, वो सीखना चाहता है, लेकिन गैरेज जो था वो इतने पास नहीं था, बहुत दूर था। तब वो कहता है नहीं, मैं पैदल चल के जाऊँगा, लेकिन मैं मोटर मैकेनिक ज़रूर बनना चाहूँगा। तब लेखिका पूछती है क्यों, तो तुम कार चलाना चाहते हो तो क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहोगे, तुम चाहोगे कि तुम हवाई जहाज उड़ाना सीखो। तो वो चुप हो जाता और कहता नहीं, मैं प्लेन उड़ाना नहीं सीखूंगा। क्यों? शायद इसने सोच लिया कि इसकी जो दुनिया है वो इतनी ही सर्कल में घूम रही है। कार चला ले, ये उसके लिए बहुत बड़े सपने की तरह है, प्लेन उड़ाना शायद उसके सपनों से भी बाहर की बात है। क्यों? क्योंकि फिरोजाबाद में तो कुछ ही प्लेन उड़ते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे एक सेटायर है लेखिका ने जो दिया कि फिरोजाबाद में कुछ ही प्लेन उड़ते हैं, इसका मतलब फिरोजाबाद जैसे शहर में कुछ ही बहुत सब मतलब अच्छे रिच और अच्छी जिंदगी जीने वाले परिवार रहते हैं, बाकी सारे परिवार किस में लगे रहते हैं, चूड़ी बनाने के धंधे में लगे रहते हैं। तो बच्चों, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोलन स्टोरी अबाउट स्टोलन चाइल्डहुड, अर्थात छीने गए बचपन की कहानियाँ। ये बहुत हार्ट टचिंग है, आप इसे बहुत अच्छे से समझें, और इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। थैंक यू बच्चों।